और वहीं एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को बिना किसी धांधली के आवास देने का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पर आए दिन प्रधानमंत्री आवास योजना में धन उगाही के आरोप लग रहे हैं। बाराबंकी जिले में भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आ चुका है। यहां लोगों ने कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही, घूसखोरी और मनमाने ढंग से पैसा लेकर पीएम आवास का आवंटन किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आएगा तो वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 7 साल से किराए पर रह रहे हैं और कॉलोनी के लिए फार्म भरा था तो कॉलोनी आई नहीं, वो आया था कॉलोनी मगर कहा कि पक्का मकान है इनके, जबकि हम किराए पर रह रहे हैं 7 साल से। तो पक्का मकान जमीन पे जमीन जमीन ली पड़ी है मगर कॉलोनी पास नहीं हो रही मेरी, जो आ रहा है वो कह रहा है कि जो है पक्का मकान है, पक्का मकान है। तो उस पर पक्का मकान बना होगा? नहीं बना है, जमीन यहीं पे है मेरी। कितने स्क्वायर फीट है? 600 स्क्वायर फीट है। क्या कुछ कह रहे हैं? कह रहे कि हमको 5,000 रुपये मतलब पहले दो और फिर बाद में काम होने के बाद 15,000 रुपये दो। परेशानी यही कि अब गरीब आदमी है भाई, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, अब घर अपना नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, 1 साल हो गया कॉलोनी भरे हुए पर अभी तक कोई हमको मिल ही नहीं रहा। जिसको बोल रहे हैं टाउनरिया के आदमियों को, बस देख रहे हैं बोल रहे हैं, बाकी कोई काम ही नहीं है। 6 महीने के ऊपर हो गया नाम आए हुए। क्या बता रहे हैं, क्या वजह है? अरे वही, अभी मुंह एकदम साफ नहीं खोल रहे हैं, दूसरों से पता चला है कि पहले पैसे दोगे तभी काम होगा। अभी तक तो फिलहाल मेरे कोई संज्ञान में नहीं आया, जबकि हम एक दो बार हम भ्रमण किए हैं और जिन लोगों को आवास मिले हैं मैंने उनसे भी कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप तत्काल शिकायत करें, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, ना बताया ही कि मुझसे ऐसा वसूली हुआ। अगर कोई साक्ष्य है, प्रमाण है तो अगर उपलब्ध कराते हैं तो जो आवश्यक कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में जांच का प्रश्न है तो जांच उप जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी के स्तर से संयुक्त रूप से करके ही हम पात्रता का निर्धारण करते हैं। अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है या कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमें गलत तरीके से अपात्र कर दिया गया है तो हम उसकी पुनः पृथक से जाँच करवाते हैं। इस मामले में जिलाधिकारी महोदय भी बहुत सख्त हैं और उन्होंने ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है जो पात्रता का निर्धारण करने में किसी प्रकार की शिथिलता बरत रहे हैं या गलत तरीके से पात्रता का निर्धारण कर रहे हैं। जहां तक पैसे लेकर आवास देने की बात है तो अगर ऐसी कोई शिकायत हम मुझ तक आएगी तो निश्चित रूप से गंभीर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।